अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, चाहत। अब किसकी अट्रैक्शन करेगा, किसकी चाहत? इलेक्ट्रॉन्स की। अफिनिटी जो है वो किसकी? इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा। इलेक्ट्रॉन अब इस शेल में एंटर होगा और इसके बदले जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हो गया। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कुछ फैक्टर्स हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले तो ये कि इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है जी हमारे पास किलो जोल पर मोल। ठीक है, यूनिट इसका जो हम यूज करेंगे वो होगा किलो जोल पर मोल। जो एनर्जी और पर अगर हम ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करें, ऑक्सीजन है, अब इसके शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो ये इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव। अब नेगेटिव के साथ साथ जो ये एनर्जी में जो चेंजिंग आएगी -41141 किलो जोल पर मोल एनर्जी हम इसे कहेंगे। ठीक है। अच्छा, बुक के मुताबिक कौन सा जी, किस एटम की है? क्लोरीन की। यहाँ अगर हम क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बदले में जो एनर्जी कहता होगी वो एनर्जी कितनी होगी? -349 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी क्लोरीन की, ये एनर्जी ऑक्सीजन की। और ये जो एनर्जी है अब हमने माइनस में क्यों लिखी है? क्योंकि ये हमारे सिस्टम से बाहर चली गई है, रिलीज हो चुकी है। ठीक है, इसलिए हम कह देंगे कि ये -349। या अगर कोई एनर्जी हो जो आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी जो थी वो एंटर होती थी, हम एनर्जी गेन करते थे फिर इलेक्ट्रॉन देते थे, उसको हम पॉजिटिव में लिखते थे। यहाँ पर हम एनर्जी खारिज करेंगे और बदले में इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करेंगे, गेन करेंगे, और वो इसलिए हम ये एनर्जी जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे। अच्छा जी, आ गया हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगला फैक्टर क्या है? हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है कि ये देखें, अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन ही ले लें, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है जी, ये क्लोरीन को थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिलीज कर दो। अगर कहते हैं हम ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन के पास, अब ये ऑक्सीजन एटम दोबारा से यूनि नेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इसको दोबारा से लिया, अब ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले से गेन किया था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? 2- यानी ये डाई नेगेटिव हो जाएगा। अब इस पर जो एनर्जी होगी वो प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, +844 किलो जूल पर मोल एनर्जी कहता है इसकी होगी। और ठीक है, अच्छा ये वाली एनर्जी जो है हमने प्लस में क्यों लिखी है? नहीं नहीं जी, वो 2- आ जाएंगे तो आपने उनको प्लस कर दिया, वो मैथ का रूल वो ना अप्लाई करें यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें जरा कि अगर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है जी 8, तो इसके पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में कितने आ गए? 6। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर अपना अपडेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो था ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर समो लिया, इधर आ गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो इलेक्ट्रॉन भी इधर आना चाहिए था। अब इलेक्ट्रॉन इधर आने के लिए वो पहले से ही मौजूद बहुत ज्यादा नेगेटिव है इसके पास, और इस पर भी नेगेटिव, पहले से बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, और ये एटम पहले से ही यूनि नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इस वजह से इनकी रिपल्जन खत्म करने के लिए ये एनर्जी इस सिस्टम में दाखिल होती है, निकलती नहीं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा स्टेप है, इसका दूसरा स्टेप आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा होगा, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, साथ में एनर्जी को भी गेन किया जाता है इनकी आपस में रिपल्जन खत्म करने के लिए, जो इनका जोर है ना आपस में इसको तोड़ने के लिए इसको प्लस कर दिया जाता है, ये सिस्टम में एंटर होगी, ये सिस्टम से खारिज होगी। चीज की समझ आ गई कि दूसरी जो आयोनाइजेशन, दूसरी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो हमेशा हम प्लस में इसलिए लिखेंगे जी। उसके बाद आ गया जी फैक्टर। फैक्टर में हमने आपको बताया था एटॉमिक रेडियस फैक्टर्स के लिए, हम चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक क्या था, क्या है ये एक पीरियड है जी। हम इस पीरियड को ले लेते हैं। इस पीरियड में अगर हम देखें तो पीरियड में इनका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो लिथियम
3, इसका एटॉमिक नंबर, तो पहले शेल में 2 और आखिरी में 1, इसी तरह अगले में देखें तो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल किया हुआ है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 2, इसी तरह बोर होना इसका एटॉमिक नंबर है 5, पहले शेल में 2 और तीसरे में जो दूसरा शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह आगे भी किया हुआ है। तो इनका एटॉमिक साइज क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है और उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब इसमें पॉजिटिव 4 इसके न्यूक्लियस में मौजूद है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके प्रोटॉन कितने हैं जी, +5, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इस वजह से ये प्रोटॉन जो है ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो जितने ज़्यादा होते जाएंगे अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वालों पर उतनी ज़्यादा इसकी बढ़ती जाएगी और इस वजह से इनका साइज छोटा होता जाएगा। अब साइज छोटा होने की वजह से यहाँ से जिस तरह इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल था और बहुत एनर्जी देनी पड़ी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ी थी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन को एंटर होने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, सही है। इलेक्ट्रॉन को भाई इसमें दोबारा ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस तरह अगर हम कहें तो इनका ट्रेंड जो है, हम बात कर रहे थे ट्रेंड वेरिएशन की, तब्दील किस तरह से इसका ट्रेंड होता है रुझान, तो वो इस तरह से होता है कि इस तरीके से जूं जूं इनका एटॉमिक साइज कम होता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भाई इनक्रीज करेगी फ्राम लेफ्ट टू राइट, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर हम अब देखें तो क्यों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है जी, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो जाता है, एटम का साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन जो है वो प्रोटॉन की न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा हो जाती है। अब ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, एटम्स का साइज छोटा हो जाएगा और एनर्जी जो है वो इसे ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन हासिल करने के, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें दाखिल हो जाएगा, ठीक है। ये मसलन इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आएगा तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देगा, क्योंकि इसका शेल, इनमें शेल ज़्यादा हो चुके हैं और इसका साइज इंक्रीज है। इसी तरह बिल्कुल अगर इलेक्ट्रॉन हम इस शेल को देना चाहें तो ये और ज़्यादा एनर्जी जो है इसकी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इस आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ओ भाई ये अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करें तो इसमें एनर्जी इनकी निस्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये प्रोटॉन पॉजिटिव की अट्रैक्शन इस वाले दूसरे शेल में ज़रा ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन हम इस जो दूसरे नंबर वाला हमारा एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पर ये लिथियम था, ये सोडियम है, अगर हम सोडियम में ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में एंटर करना चाहें तो अब इसके प्रोटॉन की अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसका ये आखिरी शेल वैलेंस शेल ज़रा दूर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसका और ज़्यादा दूर हो जाएगा शेल और इसके लिए थोड़ी सी एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। देखो ना, प्रोटॉन की अट्रैक्शन होनी चाहिए, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पर। अब वो जो अट्रैक्शन है, जूं जूं कोई आखिरी शेल दूर होता जाएगा उसको एनर्जी भी थोड़ी देनी पड़ेगी। अब ये आखिरी शेल इनमें जो है वो सुकड़ता जा रहा है, करीब होता जा रहा है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है, वो समझ आ गई। ये इनका ट्रेंड में वेरिएशन होता है। उसके बाद अगर हम देखें जी एटॉमिक रेडियस हो गया, न्यूक्लियर चार्ज भी इसमें हो गया कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन में चार्ज होता जाता है उतना ज़्यादा एटम साइज छोटा होता जाता है और उतनी ज़्यादा हमें आयन जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद तो चलो ज़्यादा होती है लेकिन ज़्यादा सक्सेसिव शेल शामिल हो जाते हैं इसमें, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आने के लिए एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट है जी हमारे पास ये आखिरी वेलेंस शेल और जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान में जो मौजूद शेल है ना वो आखिरी वाले शेल पर अट्रैक्शन कम कर देते हैं न्यूक्लियस की। अब ये देखो ना, ये न्यूक्लियस है, इसने इस शेल पर अट्रैक्शन इसकी फिर भी कुछ ना कुछ है। अगर हम इस एटम की बात करें तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी वाले शेल पर
थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए शेल आ चुके हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो इसके प्रोटॉन की और ज्यादा अट्रैक्शन कम हो जाएगी, आखिरी वाले शेल पर इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि इसमें भी मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में दाखिल होना चाहेगा उसको एनर्जी भी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। इस तरीके से उनका जो ये शील्डिंग इफेक्ट है ऊपर से नीचे बढ़ता है, इस वजह से इनकी एनर्जी भी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी एनर्जी। आगे ट्रेंड जो है वेरिएशन का वो भी एक्सप्लेन हो चुका है। तो ट्रेंड वेरिएशन का क्या है जी, कि लेफ्ट टू राइट ये जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी और फ्रॉम अप टू डाउन डिक्रीज करेगी इसकी एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज करेगी। आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उनको अब देखेंगे। एक्सेप्शंस के देखने के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अभी अभी देखो हमने क्या लिखा, इधर हमने इधर एक पीरियड की बात की। पीरियड में हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब लिथियम से ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। हम इधर लिख सकते हैं ऐसे कि हम इधर लिखते हैं ये ऑर्डर, लिथियम की एनर्जी कम और ब्रिलियम की ज्यादा, ब्रिलियम से ज्यादा अब बोरॉन की, बोरॉन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन की। इसका मतलब नियॉन की सबसे ज्यादा, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, ठीक है। कैसे, ये एक ग्रुप नंबर टू में एक्सेप्शंस पाई जाएगी, ये ग्रुप नंबर टू है और इसका ये एलिमेंट ब्रिलियम है, इसका मतलब ये ब्रिलियम में एक्सेप्शंस पाई जाएगी, आपकी बुक में लिखा हुआ है, सही है, ध्यान से देखिएगा। पर ये ग्रुप नंबर फाइव, ग्रुप नंबर फाइव देखें, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर और ये फाइव, इसका मतलब नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन में भी एक्सेप्शन है पाई जाएगी। बाकी सब आसान है, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है, बाकी सब आसान है, आपको ये एक्सेप्शन में जाकर नहीं पता चलना क्या हो गया क्या नहीं, बस ये आप ध्यान से समझेंगे, समझ आ रही है आपको भी। उस पर उसके बाद है ग्रुप नंबर एट, एट में भी एक्सेप्शन पाई जाती है। एट कौन सा है जी, ये वाला, इसमें अब अगर हम देखें नियॉन, तो नियॉन में भी एक्सेप्शन पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी, जरा आप ध्यान से फोकस करके समझें कि ब्रिलियम का क्या एटॉमिक नंबर है जी, ये देखें ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर फोर है, उसमें इस तरीके से शेल में जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, अगर हम देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें सही पता चलेगा जी, ब्रिलियम फोर तो 1s 2 और 2s 2। अब इसके ये वाला जो एस सब शेल है, ये वाला, ये भी फुलफिल है, वैसे भी हम इसकी बात नहीं करते। अब ये दूसरे नंबर, दूसरे शेल में जो एस सब शेल है, इसको देखें तो इसके ऑर्बिटल इस तरीके से हमने बना लिया, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो आते हैं, ये याद रखना। इसके एक ऑर्बिटल में, लो जी एस ऑर्बिटल में आपको मैं फिर से चलो एक्सप्लेन करता चलूँ, एस पी डी और एफ, ये हमारे पास चार किस्म के सब शेल थे जो आपने पढ़े थे ना। एस में कितने जी, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें छः, इसमें दस और इसमें चौदह। अब एस की अगर बात करें तो इसका ऑर्बिटल एक ही होता है, वो इस तरीके का होता है, इसके ऑर्बिटल तीन होते थे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे होता था। ये पी एक्स है, ये पी वाई और ये पी जी, ये एक्स है, ये वाई और ये जी। अगर हम इनकी बात करें तो ये डी के कितने ऑर्बिटल हुए फिर, फाइव, पांच लगा जो इसके ऑर्बिटल होंगे। अब अगर पांच ऑर्बिटल होंगे तो उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो ही तो पांच बनेंगे, इसीलिए चौदह, चौदह के ऑर्बिटल सात बनेंगे तो उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। लो जी दो इसमें आ गए, ये एस है ना, एस वाला ऑर्बिटल, ये असल में एस वाला ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, आ गए। अगले वाला टू एस है और ये भी एस है, यानी ये पहले शेल वाला एस कंप्लीट हो गया, इसमें सिर्फ एस सब शेल ही आता है, दूसरे शेल में एस और पी आते हैं, लेकिन ये एस तक ही रुक गए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ही इतने थे, ठीक है। अब एस में इलेक्ट्रॉन टू है तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी हम
टू फुलफिल कर देंगे। अब अगला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अगला इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको अगला सबशेल देना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था पहले भी कि अगर सबशेल मुकम्मल हो, फुलफिल हो, तो वो क्या होता है? अगर सबशेल फुलफिल हो, अगर यहां फिर हाफ फिल हो या फिर फुलफिल हो, तो वो स्टेबल होता था। क्या होता था? स्टेबल होता था। मसलन अगर यहाँ पर p ऑर्बिटल है, p के कितने ऑर्बिटल है? एक, दो और तीन, तीन ऑर्बिटल है। अगर तो ये हाफ हो, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी एक, तीसरे में भी एक। अगर हम इसी ही ऑर्बिटल को फुल फिल करते हैं, इसमें भी दो, इस ऑर्बिटल में भी दो, इस ऑर्बिटल में भी दो, तो ये वाले दोनों ही क्या होंगे जी? स्टेबल। लेकिन अगर एक एस वाला ही हो, अगर वो भी हाफ हो तो स्टेबल। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हो तो भी स्टेबल। अब यहां पर कौन सी कंडीशन अप्लाई है? और ये वाली, ये स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? नहीं लेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी जी। इसका मतलब अब ये जो ब्रिलियम है, इसकी एनर्जी लिथियम से आ गई ज्यादा है, लेकिन अब बोरॉन से भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले हमें करना चाहिए था नई आन के बारे में, क्योंकि हम ऑर्डर इस तरीके से लिखते हैं। चलो हम नई आन के बारे में शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब नई आन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो जी। नई आन का क्या एटॉमिक नंबर है? 10। नई आन का, शाबाश, क्या एटॉमिक नंबर है जी? नई आन का एटॉमिक नंबर है जी, इधर कर लेते हैं 10। 1s, 2s, 2p, 6 और 3s, बस, शाबाश। अच्छा जी, अब ये सबशेल और ये भी सबशेल और एक ये सबशेल। एस वाला सबशेल आपको मालूम है, एक ही ऑर्बिटल, इसमें एक ही ऑर्बिटल और दो दो इलेक्ट्रॉन जो है उनमें आ जाएंगे और ये फुलफिल हो जाएंगे। आगे आ गया जी पी ऑर्बिटल। टू पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो हर एक में फुलफिल आ जाएंगे, तो ये मोस्ट स्टेबल हुआ। पूरे जो हमारे पास एलिमेंट था ना, पूरा जो ये पीरियड है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फिर कौन हुआ? नियान। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, ये लेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा एनर्जी देकर हम इसको मनाने की कोशिश भी करें तो ये एनर्जी नहीं लेगा, कहेगा मैंने लेनी नहीं। इस वजह से ये सारा ऑर्डर अब हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ये ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा जी, ये ऑर्डर अब कैसे हो जाएगा कि अब इसकी तो एनर्जी है ही नहीं, इसको अब हम पहले लिखेंगे नियान, ये सबसे कम हो गया। इस तरीके से अब हम ऑर्डर लिखेंगे, सही है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर एक्सेप्शन नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के पास क्या एटॉमिक नंबर क्या है जी? शाबाश, ये नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर हो गया जी 7। तो 1s, 2, 2s, 2 और 2p, 3। तो ये तो दोनों, चलो इसी तरीके से हाफ जो है फुलफिल हो जाएंगे। ये लो जी, मैं कर ही देता हूँ, कहीं मुश्किल ना समझें। ये लो जी हो गए। अब पी ऑर्बिटल आपको तीन बनाने पड़ेंगे, तीन ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, तीन ऑर्बिटल में एक और इसमें भी एक और एक इसमें भी। तो ये क्या है? स्टेबल नहीं हो चुका यार। ये देखो स्टेबल कंडीशन है ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसके बाद नाइट्रोजन को लिखना पड़ेगा इसमें, इस कंडीशन में। एक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कर देना फिर ये स्टेबल नहीं होगा। यहां तो सारे के सारे क्या हो जाएं? हाफ हो फिर स्टेबल, यहां सारे सारे फुल हो फिर स्टेबल, इसके अलावा बिल्कुल नहीं स्टेबल होंगे। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे जी दूसरे नंबर पर? हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसको लिख देंगे। अब नाइट्रोजन के पास क्या है जी? अब ब्रिलियम के बारे में, और ब्रिलियम का मैंने आपको समझा दिया हुआ है, ब्रिलियम के बारे में समझा दिया हुआ है ना कि ये भी एनर्जी नहीं लेगा। तो ब्रिलियम का कैसा मैंने आपको समझाया हुआ है कि 1s, 2 और 2s2, वो मैंने मिटा दिया हुआ है ना सही। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था जी? 4। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर था जी 4। तो इसमें कितने आ गए जी? 1s2 और 2s2। तो
तो इसका मतलब ये 2s2 वाला ये भी फुल फिल है, दो ऑर्बिटल इसमें भी थे, तो इस वजह से अब हम इधर किसको लिखेंगे जी, ब्रिलियम को। अब आप बाकी सारे एलिमेंट को क्या कर सकेंगे, अरेंज कर सकेंगे बिल्कुल उसी तरतीब से, समझ आ गई। लास्ट का पॉइंट रह गया आपकी एक्सेप्शंस का, ये वाली एक्सेप्शंस हमने कर ली, अब ये वाली एक्सेप्शंस फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करनी। और ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब अगर मैं इधर लिखूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका कहता है ये शैलो होंगे फ्लोरीन के, क्लोरीन के 3 शैलो होंगे, ब्रोमीन के 4 शैलो होंगे और आयोडीन के बहुत ज़्यादा शैल कहता होंगे। अब कहता है फ्लोरीन में कितने, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जो 9, तो पहले शैल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, इसके भी पहले वाले इलेक्ट्रॉन अगर फुल फिल कर दें तो दूसरे वाले शैल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी, 7, क्योंकि शैल की सेम ही सिचुएशन होती है। इसमें भी अगर कहता है फुल फिल कर दें पहले वालों को, दूसरे में आगे 7। अच्छा, उसने जो हमें कहा है वो क्या कहा है कि फ्लोरीन जो है, मैंने क्या कहा, ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, ऊपर से नीचे आए तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाती है, क्योंकि वो शैल जो होता है प्रोटॉन से आखिरी शैल वो ज़रा दूर होता है और प्रोटॉन की आने वाली इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम पड़ जाती है, इस वजह से इसको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन ये न्यूक्लियस कहता है करीब होता है, इसको एनर्जी ज़रा ज़्यादा देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन फिर गेन करेगा, ठीक है जी। लेकिन कहता है इसकी ज़्यादा नहीं होती, इसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा हो जाती है, ये क्या वजह, बाकी सारी वैसे ही है, बस इन दोनों में चेंजिंग आ जाती है। वो चेंजिंग क्यों आती है, वो जी जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर ये वाली जो स्पेस है, इसके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा शैल में नेगेटिव चार्ज आ गई मौजूद है, इसका घर है छोटा सा और उसमें फर्द रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, आने वाले के लिए एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल करनी पड़ रही है इसको, ये मसला है इसका। यहाँ पर इसका ज़रा घर है बड़ा, ठीक है, और घर है ज़रा इसका बड़ा, तो यहाँ पर अगर ये रह रहे हैं फर्द, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास स्पेस मौजूद है, ठीक है, इस वजह से ये वाला जो हमारे पास क्लोरीन है ये एनर्जी को रिलीज़ ज़्यादा करेगा और एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसकी एनर्जी कम पड़ जाएगी क्योंकि ये अपनी सहूलत देख रहा है। इसे मालूम है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इधर दाखिल करना है तो मुझे उसके लिए कोई एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इस वजह से ये थोड़ा सा, हालांकि इसके पास न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन ज़्यादा है इसकी निस्बत, ये एनर्जी देने के लिए राजी भी है, लेकिन वो अपने आप को देख रहा है मैं कैसे इसको एडजस्ट करूंगा इस शैल में, तो ये बड़ा सख्त शैल छोटा सा होने की वजह से बड़ा डेंस और सख्त हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद ज़्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके साइज के मुताबिक देखें तो वाकई ज़्यादा है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है ये अट्रैक्शन ज़रा कम रखता है, उसके लिए फिर एनर्जी भी कम पड़ जाएगी और इसके लिए एनर्जी ज़्यादा पड़ जाएगी।